सर्वथम परिगुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीपाद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात परिशिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज है एकादशी, आज एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी, इसलिए कहते एकादशी। अभी अभी हमने कीर्तन सुन रहे थे, कहते माधव अतिथि भक्ति जननी जतने पालन करी और कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे। कहते जो एकादशी का एक नाम है माधव, ये भगवान माधव का ही अतिथि है। जैसे हमारे भारत में कोई सोमवार रखते हैं किसके लिए, सिर्फ भोले बाबा के लिए। कोई मंगलवार रखते हैं किसके लिए, हनुमान के लिए। कोई बुधवार रखते हैं श्री गणेश जी के लिए है। इसलिए हमारे भारत में देना कोई कोई तो सारे सप्ताह व्रत ही व्रत रखते हैं, पूरा सप्ताह ही व्रत व्रत है। शनिवार शनिश्चर के लिए, बृहस्पतिवार माँ लक्ष्मी के लिए है। इसलिए जगत में तो 33 गरुड़ देव था, अभी कितने को मनाएंगे। एक को मनाओ तो दूसरा मुंह फुला कर बैठ जाएगा, बोले मेरा पूजा नहीं क्या, तेरे को हम देख लेंगे है, मेरा व्रत तुमने रखा ही नहीं। इसलिए लेकिन एकादशी ऐसे एक तिथि है, कहते माधव अतिथि, ये भगवान श्री माधव जगन्नाथ जी का तिथि है। इसलिए बोले जहाँ पर कृपा हरि की होई तहाँ पर कृपा करे सब लोग। जिसको पर भगवान का कृपा हो जाए उसको पर में जितने सारे देवा देवी 33 करोड़ देवा देवी अपने आप उसको पर में प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भगवान को छोड़ करके दूसरे देवा देवी को पीछे लगता है ना, फिर तो सारे देवा देवी उसको पीछे लग जाते हैं, उसको सब पीछे लग जाते हैं। ये ग्रह लग जाएगा, वो ग्रह लग जाएगा, सारे ग्रह उसको पीछे लग जाते हैं। लेकिन भगवान की शरण में आ जाए तो जब सब देवा देवियों को पता चलता है भैया ये किसके आदमी है, ये जगन्नाथ जो भगवान के आदमी है, हैं? जैसे श्री मोदी का कोई अगर डहान हाथ वाले कोई हो ना, जैसे श्री अमित शाह है, इसको पीछे कोई लगेगा, जो लगेगा पता चलता, उसको पता चलेगा मेरा ही नौकरी जाएगी। इसको पीछे लगा तो अपना ही नौकरी चली जाएगी, क्योंकि वो मोदी की ये डहान हाथ है हाँ, जैसे जोगी भी है, इसलिए इनको पीछे कोई नहीं लगेगा। लेकिन कारण है, उनको पता है ये श्री मोदी की बाम हाथ और डाण हाथ वाले। कहते उसी तरह जब देवा देवियों को पता चलता है ये किसके शरण में, कहते ये भगवान श्री माधव जी के शरण में, फिर तो अपने आप जितने ग्रह रहे ना सब दूर रहते हैं, सारे ग्रह दूर रहेंगे। नहीं तो अगर इनके शरण में नहीं आएंगे तो सारे ग्रह पीछे पड़ जाएंगे। माधव तिथि कहते ये भक्ति जननी, कहते माधव तिथि पालन करने से क्या होता है, कहते ये भक्ति की ये माँ है, भक्ति की माँ। माँ जैसे बच्चों को प्रसव देती है, उसको लालन पालन करती है, और भक्ति के द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए ये भक्ति की ये माँ है, ये भक्ति को जन्म देने वाली, और भक्ति द्वारा ही भक्ति रे वैव दयती, भक्ति रे वैव दर्शयती, भक्ति रेव भक्ति वर्ष पुरुष भक्ति रेव पुरुष, क्योंकि भक्ति ही भगवान तक जीव को ले जाता है और ये दर्शन कराता है। इसलिए जो वैष्णव लोग और कोई व्रत बार व्रत को नहीं करते हैं, एक व्रत श्री एकादशी व्रत ये वैष्णव लोग करते हैं। इसलिए कहते हैं एकादशी को कैसे पालना करनी चाहिए, बोले जतने पालना करें, ये व्रत को बड़े जतन पूर्वक पालन करनी चाहिए है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कभी जो एकादशी है ना, कभी जो एक सच्चे साधक होता है, कभी एक एकादशी से लेकर के दूसरे एकादशी दिन तक है, जैसे हमारे बामन गोस्वामी महाराज थे, जैसे भक्ति प्रबंध से पुरी गोस्वामी महाराज, वो सोने से पहले ना अपने डायरी लिखते थे, ये डायरी लिखते थे आज हमने कितने बजे उठा, मंगल आरती में आया कि नहीं आया,
उसके बाद में कितना हरिनाम किया, कितने चांटिंग क्लास में बैठा कि नहीं है, उसके बाद में कीर्तन में हरिकथा में आया कि नहीं, दिन भर हमने कितने गुरु वैष्णव की सेवा की, फिर आज का दिन हमने कितने बात कितना समय हमने बेकार भजन का समय को बिताया है, उसको पूरा के पूरा वो डायरी लिखते थे। फिर क्या करते थे, फिर दूसरे दिन इसको चेक करते थे, अगर आज का दिन अगर बिना कारण के बकवास करते हुए किसको तो यार दोस्तों को साथ में मिल गई बस बिना कारण के भजन की बेकार बात करते करते समय बिताते, बोले नहीं कल हम चेक करेंगे, आज जितना समय हमारे बेकार समय में गया कल उतना समय और बेकार में नहीं देंगे, क्या करेंगे उतना समय को हम भगवान की भजन में गुरु वैष्णव की सेवा में हम लगाएंगे है। इसलिए प्रभुपाद की कहते एक प्रभुपाद का शिष्य थे अनादि कृष्ण ब्रह्मचारी, वो बोलते थे प्रभुपाद का शिष्य कहते अगर ऐसे कोई जैसे एकादश से एकादशी तक कहते वो जो सच्चे साधक है इसको विचार करनी चाहिए है कितने हमारी भजन में प्रोग्रेस हुआ और कितना भजन में हमने नीचे, लेकिन जो और अब आगे अपना भक्ति को और जल्दी बढ़ाना चाहते हैं कहते सप्ताह सप्ताह में विचार करो, एक सप्ताह से लेकर दूसरे सप्ताह तक तो विचार करो हमारी भजन में कितना अग्रसर हुआ और कितने हमारी भजन हुई। अगर उसमें देखो अगर कोई एक जीवन में भगवत प्राप्ति को चाहता है, वो कहते थे प्रभुपाद ही बात बोलते थे, मतलब एक जीवन में अगर कोई भगवत प्राप्ति चाहते हैं रोज डायरी लिखो, अब सात दिन लेकर के देखो आपका जीवन कितना परिवर्तन दिखेगा, कहते एक जीवन में आपको भगवान मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे प्रभुपाद बोलते थे, रोज सोने से पहले एक डायरी बनाओ प्रभुपाद की, इसलिए प्रभुपाद का करके शिष्य लोग इस काम करते थे हैं, क्योंकि बड़े सिंसियर थे, रोज डायरी सोने से पहले आज हमने कितने बजे उठे, कितना हरिनाम किया, कितने समय गुरु वैष्णव का सेवा किया, कितना समय हमने सोए, कितना समय हमने बेकार में बात कमाया, दूसरे दिन फिर उसको चेक करके नहीं आज इतना समय हमारे बर्बाद गया कल हम ये चीज को हम लक्ष्य करेंगे, जैसे ये समय हमारी बर्बाद नहीं जानी चाहिए है, इसलिए दूसरे दिन वो चेक करेंगे, चेक अगर करो तो वो कहते थे एक जीवन में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, इतने बड़े बात प्रभुपाद कहते थे एक जीवन में, क्योंकि वो बड़ा सिंसियर हो जाएगा, भक्ति के अनुकूल को स्वीकार करनी चाहिए, भक्ति प्रतिकूल को वर्जन करनी चाहिए, इसलिए भक्ति का जो अनुकूल है कितना अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से विवर्जनम, संकल्प मतलब क्या दृढ़ रूप नहीं, जो चीज में गुरु वैष्णव का प्रिय नहीं, जो चीज ठाकुर जी का प्रिय नहीं वो चीज करना नहीं, वो चीज देखना नहीं, वो चीज हमें बोलना नहीं है, इसलिए जो उनकी भक्ति की जो अनुकूल चीज है वही बोलना वही देखना और वही सुनना है, इसलिए कहते संकल्प, संकल्प मतलब क्या प्रतिज्ञा है, हम प्रतिज्ञा करते हैं, क्या प्रतिज्ञा करते हैं भक्ति प्रतिकूल को छोड़ेंगे और भक्ति अनुकूल को हम स्वीकार करेंगे है, प्रभुपाद कहते एक जीवन में अब सात दिन ये चीज करके देखो आपका जीवन में कितने परिवर्तन आएगा, कितने परिवर्तन आएगा, इसलिए प्रभुपाद का शिष्य लोग कई कई उनके शिष्य लोग इसलिए सबके सब इन भक्ति प्रमद पुरी गोस्वामी महाराज थे, उनके जीवन में क्या क्या हुआ नहीं हुआ ना जब उनका डायरी को खोले तब उनका जीवन में ये किया मैंने ये किया सोने से पहले सब लिखते थे है, आज अमुक वैष्णव आए आज इनको साथ में परिचित हुआ इतना हरिनाम किया मैंने ये ग्रंथ लिखा, उनका जीवन में ऐसी कुछ घटना है जो कि शिष्य लोगों को पता नहीं था, फिर वो डायरी को देख कर उनको पता चला और हमारे भक्ति वेदांत श्रील ब्राह्मण गोस्वामी महाराज भी वो लिखते थे सोने से पहले अपना डायरी निकाल करके उसमें नित्य जीवन को उसमें लिखा करते थे, इसलिए कहते हैं जो एकादशी है कहते इसको कैसे पालना करनी चाहिए, बोले आज का तिथि को जतन पालन कर, इसको जतन पूर्वक पालन करो, जतन मतलब क्या है कहते रोज रोज हम जितने हरिनाम करते हैं एकादशी का दिन कोशिश करनी चाहिए जैसे 1,00,000 हरिनाम हो जाए, रोज रोज तो हो नहीं पाता है जैसे पढ़ाई सब करते हैं लेकिन कोशिश करो एकादशी का दिन, महाप्रभु बोले ना अगर कोई 1,00,000 हरिनाम नहीं करेगा
उसका हाथ का दिया हुआ चीज में ग्रहण नहीं करता हूँ। इसलिए कोशिश करनी चाहिए है? जैसे पूरा 26 घंटा के अंदर में भले थोड़ा सोना कम हो जाए है? रोज तो सोते हैं लेकिन आज का दिन थोड़ी सी सोना को कम करके है? करके थोड़ी सी आज का दिन ज्यादा थोड़ी सी हरिनाम करें। कोशिश कर जैसे 1,00,000 हरिनाम जैसे कर 1,00,000 नाम करने के लिए कितना समय चाहिए? 5-6 घंटा लग जाएगा। 5-6 घंटा लग जाएगा 1,00,000 हरिनाम करने के लिए। अगर 5-6 घंटा लग जाएगा ना तुम स्वयं देखना, क्योंकि 1,00,000 तभी पूरी होगा जब बड़े ध्यान से करोगे है? किसी तरह से पूरी होता है। रात को स्वप्न भी वही चीज आएगी। क्यों? सारा दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज और नाश्ता से पहले 1,00,000 पूरी करके नाश्ता करते थे। नाश्ता करने से पहले सवेरे नाश्ता करने से पहले और हम तो पूरा सारा दिन हमें पूरा सारा दिन पूरा पड़ा हुआ है, हैं? उसके अंदर में कोशिश करो जैसे 1,00,000 नाम उसमें हमारी हो जाए। हमारी वो कहाँ गया? छोटा वैष्णव राधा रमन वो बोल रहा था सवेरे, बोले 32 माला मेरा हो गया। इसलिए कोशिश करनी चाहिए आज का दिन जैसे ज्यादा ज्यादा थोड़ी सी हमारी माला हो जाए, ठीक है ना? इसलिए कहते जतने पालना करें इसको, व्रत को जतन पूर्वक आज का दिन इधर उधर बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए बैठ करके है, इधर उधर की बात नहीं करके ज्यादा समय हरिनाम में। अगर 1,00,000 माला करेंगे फिर देखना समय हमारी इधर उधर जाएगा। यहाँ तो कोई करते नहीं क्योंकि बहुत जो और यहाँ पर क्या जो क्या उसको क्या बोलते हैं जो रूल है यहाँ की, जो प्रेशर रोज रोज गीता श्लोक याद करना फिर बोलना, इसलिए तो किसको समय नहीं मिलता है। इतनी बार उसमें लगे रहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, ये चीज बहुत अच्छी चीज है। जन तन प्रकार कृष्ण मन निवेश साधन इसको कहते हैं। किसना किसी तरह से ये मन को भगवान के चरण में लगा कर रखना यही साधन है, है? यही साधन है। इसलिए आज एकादशी तिथि है, सबके सब जितना हो सके। और महाप्रभु क्या करते थे? दिन में तो सोते ही नहीं थे, रात भर नहीं सोते थे। प्रभुपाद का समय पर ही प्रभुपाद का शिष्य थे। प्रभुपाद का समय में तुम जैसे छोटे छोटे बच्चे आए हो और छोटे छोटे तुमसे छोटे छोटे बच्चे आते थे, प्रभुपाद का शिष्य थे वो क्या बोलते थे? देखो आज रात भर हरिनाम करेंगे, जो मेरे साथ में रहेगा ना, जो मुफली है ना मुफली, हाँ मुफली हम देंगे, मुफली ले आएंगे खरीद करके हम मुफली देंगे तुमको। इसलिए मेरे साथ में रात भर हरिनाम करना पड़ेगा। वो क्या करते थे? सब बच्चों को लेकर रात भर मृदंग बजा कर कीर्तन रात भर करते थे। अब महाप्रभु भी भक्तों को लेकर के सारे रात भर श्री हरि वाह श्री हरि कीर्तन विधान नृत्य आरम्भ लीला प्रभु जगत निर्माण। इसलिए महाप्रभु सारा रात कीर्तन करते थे, ठीक है? बोले श्री सचिदानंद गौर हरि की जय। इसलिए गत कल हम लोग ये श्रवण कर रहे थे जब श्रीमान महाप्रभु धीरे धीरे जगन्नाथपुरी आ रहे हैं और जितने भगवत मंदिर पड़ता है बीच में सब मंदिर में जाते हैं, सब ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, सबको सम्मान करते हुए है जीवर सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान, सबको सम्मान करते करते महाप्रभु धीरे धीरे पुरी में आ रहे हैं। इसलिए कल हम लोग श्रवण किया था कहाँ तक महाप्रभु आए थे? साखी गोपाल, महाप्रभु साखी गोपाल तक आए और साखी गोपाल को दर्शन करते हुए महाप्रभु कहते प्रेम में नृत्य करने लगे, महाप्रभु हुंकार करने लगे गर्जन करने लगे हैं। इसलिए यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण को देखकर प्रेम में पागल हो रहे हैं। महाप्रभु पर कृष्ण है ना, कृष्ण ही राधा रानी की भाव अंग कांति लेकर के आए। इसलिए कृष्ण जब कृष्ण का दर्शन करते हैं और प्रेम में हुंकार गर्जन नृत्य करते हैं, हैं? इसलिए मतलब भगवान में इतने रस है, भगवान के नाम रूप गुण लीला में इतने आनंद, उसमें इतने रस है प्रभु का नाम में, भगवान में कोई पता नहीं मेरे नाम में रूप में कितने आनंद है। इसलिए स्वयं स्वयं को दर्शन करते हुए
नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। बोले तब प्रभु आइले न श्री भुवनेश्वर, गुप्त काशी बास जथा करे न शंकर। महाप्रभु ऐसे करते करते साखी गोपाल को बाद में भुवनेश्वर में आए। यदि भुवनेश्वर किया है बोले गुप्त काशी, इसको गुप्त काशी बताया। काशी कहाँ है? जहाँ पर शंकर जी का स्थान है, है? इसलिए भुवनेश्वर को ये गुप्त काशी बताया, जहाँ पर शंकर जी निवास करते हैं, इसलिए उस स्थान का नाम भुवनेश्वर है। कहते भुवन शंकर जी का एक नाम भुवनेश्वर, स्थान का नाम भुवनेश्वर। कहते भुवनेश्वर नाम क्यों पड़ा? बोले भुवन का जो ईश्वर है। कहते भैया भुवन का ईश्वर तो जगन्नाथ है, भुवन का ईश्वर तो ठाकुर जी है, है? लेकिन शंकर जी का भी नाम भुवनेश्वर क्यों? कहते जो शिवलिंग है ना, कहते ये सदाशिव है, शंकर जी ये सदाशिव है। कहते सदाशिव रूप में, कहते ये महाविष्णु रूप में है, जब यही माया को इखन करते हैं, माया खोबित तो होकर के अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को प्रसव करती है, इसलिए शिवलिंग इसमें देखा दो चिन्ह, स्त्री पुरुष का चिन्ह है। जैसे इसी जगत में बगैर स्त्री पुरुष के सृष्टि नहीं हो सकता है, जो शिवलिंग है कहते ब्रह्मांड का चिन्ह है, ये ब्रह्मांड का चिन्ह है। इसलिए कहते उसका नाम भुवनेश्वर। उसका एक नाम है एकाम्र कानन, कहते वहां पर पहले एक आम वृक्ष था, जो एक आम वृक्ष जो बहुत दूर तक जो ये आम वृक्ष फैला हुआ था, इसलिए उसका नाम एकाम्र कानन भी है। उसका एक नाम हेमांचल, हेम मतलब होता है सुवर्ण, अचल मतलब होता है पर्वत। कहते वो जो भुवनेश्वर जहाँ पर है, कहते ये स्वर्ण का पर्वत ऊपर में ये अधिष्ठित रहे, कहते उसको स्वर्णाद्री क्षेत्र भी कहते हैं। कहते वहां पर शंकर जी कुटी शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। देखा है कुटी शिवलिंग कहाँ पर है भुवनेश्वर में? कौन कौन देखा? एक शिवलिंग में करोड़ों शिवलिंग देखे कि नहीं? हाँ देखे ना, कितने छोटा कितने बड़े। जहाँ पर गौरी कुंड है ना, गौरी कुंड है, हाँ, गौरी कुंड से बाहर जहाँ पर पानी जाकर जमा होता है, जब जाओगे उसको बीच में जो मंदिर है, करोड़ शंकर जी केवल एक ही जगह पर, आप पृथ्वी में आप कहीं नहीं देखोगे, एक शिवलिंग में शंकर जी करोड़ों शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। इतने 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 छोटे छोटे शिवलिंग में कितने सारे शिवलिंग है, कहते वहाँ करोड़ों शिवलिंग रूप में प्रकट है। वहां पर अष्ट तीर्थ भी वहां पर विराजमान, इसलिए कहते जो भुवनेश्वर है ना, कहते यहाँ पर कहते वाराणसी, कहते वाराणसी जो है, कहते वाराणसी से भी श्रेष्ठ श्री कौन है? कहते श्री भुवनेश्वर है। इसलिए कहते ना सकल तीर्थ त्वचरण बद्रिका जी को कारण है, सकल तीर्थ जगन्नाथ के चरण में सारे तीर्थ है, बद्रिका जी को के कारण है। इसलिए अब जब जगन्नाथ मंदिर में जब सीढ़ी चढ़ेंगे, उल्टा हाथ में देखना शंकर जी, तो शंकर जी का नाम क्या है? काशी विश्वनाथ है, है? बोले कोई एक जगन्नाथ जी का कोई एक भक्त था, जगन्नाथ जी के भक्त था, तो उसका मन में इच्छा होता था तो काशी विश्वनाथ थोड़ा जाकर के दर्शन कराते तो अच्छा रहता, मन में इच्छा काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए। इतने में जगन्नाथ जी उनको दिखा दिया। एक दिन जब जा रहे थे उन्होंने देखा एक वृद्ध एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ, तो उन्होंने पूछा आप कौन हो? बोले मैं काशी विश्वनाथ हूँ। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? बोले जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए बाई से पहाच को नीचे बैठ करके मैं तपस्या कर रहा हूँ, कब जगन्नाथ जी का दर्शन होगा? मैं स्वयं काशी विश्वनाथ। बोले अरे मैं तो सोच रहा था थोड़ा जाकर काशी विश्वनाथ जी को दर्शन करके आए हैं, और यहाँ पर काशी विश्वनाथ स्वयं बाई से पहाच है ना सीढ़ी, उसको नीचे बैठ कर तपस्या कर रहे हैं शंकर जी, मेरे को जगन्नाथ जी का दर्शन कब होगा? फिर उसका मन में सारे भ्रम दूर हो गया। इसलिए बोले सकल तीर्थ तो चरण है बद्रिका जी वो के कारण है, सारे तीर्थ जगन्नाथ जी के चरण में, इसलिए इनको दर्शन करने से सारे तीर्थ जाने का फल अपने आप सब मिल जाता है, सारे तीर्थ जाने का फल मिल जाती है। इसलिए वृंदावन धाम में भी है, बोले एक समय क्या हुआ, वृंदावन में एक समय सारे तीर्थों के अंदर में मीटिंग हुई, सारे तीर्थ एक साथ में आए, मीटिंग हुई। बोले नियम है कोई राजा होनी चाहिए, कोई राजा होनी चाहिए सारे तीर्थ में। तब भगवान ने मीटिंग करके तीर्थराज पुष्कर ने तीर्थराज प्रयाग, ये प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी मिले हुए हैं, क्योंकि गंगा की कितना महिमा, उससे ज्यादा महिमा जमुना जी की, इसलिए सरस्वती की महिमा जहाँ पर एक साथ में तीनों नदी मिले हुए,
कौन गए हो? प्रयाग कहीं गए हो? एक पंडित गया, इसलिए कहते वहां तीर्थराज प्रयाग है, इसलिए वहां पर तो भगवान ने तीर्थराज को बना दिया राजा। आज से तुम राजा हो। अभी जो राजा होगा नियम है उनको रोज दर्शन करने जाना पड़ेगा, उसको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अभी सारे तीर्थ आते आकर के सबके सब तीर्थ क्या करते हैं, उनको कर देते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन वृंदावन से कोई भी नहीं जाते। वृंदावन धाम की बात ही छोड़ दो, वहां के तो नदी कहीं जाता ही नहीं, वहां के तालाब भी नहीं जाते, वहां के सरोवर भी नहीं, वहां के कोई कुआं तक भी प्रयाग तक कोई जाता ही नहीं। एक दिन प्रयाग तो दुखी हो गया, दुखी होकर जगन्नाथ जी को पास में आए, बोले क्यों मेरे को झूठ मूठ को बना दिया तीर्थराज प्रयाग है? बोले क्या हो गया? बोले सारा दुनिया के सबके सब आते हैं, दर्शन देते हैं, दर्शन करते हैं और टैक्स देते हैं, लेकिन आपका धाम से तो एक कुएं तक भी, नदी की बात छोड़ दो, तालाब की सरोवर की बात छोड़ दो, वहां के कुआं तक भी आता ही नहीं। तो वहां पर जगन्नाथ जी कृष्ण बोले, बोले देख तीर्थराज, मैंने राजा तुम्हें बनाया, मैंने तो तुमका राजा बनाया, लेकिन अपना घर का राजा तेरे को नहीं बना दिया। जो वृंदावन धाम है ना, ये घर की मेरा घर है, और जो श्री क्षेत्र धाम भी वृंदावन एक तरह का ये श्री क्षेत्र, श्री राधा रानी की ये क्षेत्र है। यहाँ पर भी गोविंद गोपीनाथ मदन मन सब इधर है, और विशेष करके जब महाप्रभु यहाँ पर आकर लीला की, फिर तो इसकी विशेष विशेष महत्व हो गया, विशेष विशेष महत्व श्री जगन्नाथपुरी की। इसलिए हम रसखान कहते हैं, किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, बल के सब के कैली कुंज कोटि कोटि काशी है, कहते कोपिन के द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, बोले स्वर्ग अब वर्ग हम लेकर करेंगे किया, बोले जानता नहीं कि हमसे वृंदावन वासी है। बुझी पार चुका हाँ, इसलिए किरत सुता माने किरत राधा रानी है, कृतिका की जो सुता राधा रानी, बोले पग पग में प्रयाग है, है? उनकी एक तो प्रयाग तीर्थराज एक ही प्रयाग, कहते राधा रानी की पग पग में, मतलब क्या, जब राधा रानी एक चरण उठा करके दूसरे चरण फैलती है, एक एक चरण में क्या है, पग पग में प्रयाग, यहाँ कितने वहां एक ही प्रयाग है, यहाँ पर तो राधा रानी के एक चरण चरण में जा गिरता है, वहां प्रयाग है, है? केशव के केली कुछ जो कोटि कोटि काशी, काशी तो एक है, लेकिन यहाँ पर जहाँ कृष्ण का निकुंज है, यहाँ पर श्री राधा कृष्ण लीला विलास करते, बोले कोटि कोटि काशी है, बोले गोपिनी के द्वार पे बसत है हरिद्वार, गोपियों के द्वार में तो हरिद्वार का निवास है, है? बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ, बद्रीनाथ बसत दास दासी है, ये सब दास दासी। इसलिए जब ब्रजमंडल परिक्रमा होता है ना, जब हम परिक्रमा करते हैं, जब मथुरा परिक्रमा करते हैं, वहां 12-26 घाट है, वहां पर जितने सारे अयोध्या मथुरा माया काशी कांची द्वारावती सबके सब वहां पर लाइन करके बैठे, क्यों, राधा रानी की कृपा पाने के लिए, राधा रानी की कृपा पाने के लिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, ये जो वाराणसी कहते वाराणसी से भी कहते जो भुवनेश्वर है उससे भी श्रेष्ठ ये भुवनेश्वर है, कहते ये अत्यंत अत्यंत शंकर जी की अत्यंत प्रिय स्थान है, वहां पर श्री गंधवती जो नदी है, कहते वो कौन है, बोले जाह्नवी अभिन्न श्री यमुना अभिन्न स्वरूप को है, इसलिए कहते वहां पर साक्षात भगवान पुरुषोत्तम थे, पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ, इसलिए वहां पर भुवनेश्वर में है ना, क्या अनंत वासुदेव, वहां पर स्वयं अनंत जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, कहते वो स्वयं क्या कर रहे हैं, कहते ये वहां पर शंख चक्र गदा प्रथम धारण करते हुए स्वयं क्षेत्रपाल है, स्वयं भगवान क्षेत्रपाल, क्षेत्र को रक्षा करने वाले भगवान स्वयं वहां पर बैठे हैं, हैं? वहां पर बैठे हैं। इसलिए कपिल संहिता के विवरण के अनुरूप कहते यहाँ पर श्री शंकर जी नारद जी को कह रहे हैं, बोले नारद जी ये जो काशी है ना, मैंने ये काशी को मैंने बनाया था, ये अत्यंत मेरी प्रिय ये काशी है, लेकिन मैं वहां रहते रहते तंग हो गया। बोले क्यों, बोले वहां पर अक्सर करके सब ब्रह्मवादी मायावादी लोग बैठे हुए,
हाँ, जो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलितम ब्रह्म तत्वमसि शिव अहम करने वाले वो सबके सब बैठे हुए है। इसलिए ज्ञान बहुल होने का नाते मेरे को और वहां बैठे रहने का इच्छा नहीं करता। क्यों? शंकर जी कौन है? वैष्णव नाम जता शंभु। शंकर जी भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त है। भक्त क्या चाहते हैं? भक्तों का संग। भक्तों का संग में मत कथा चिंता बदयंत परस्पर है। इसलिए जब भक्तों के साथ में भक्त मिलते हैं, जब हरि कथा आपस में हो, वो तो टूट जाते हैं। पहले सुना था ना, चार मिले चौसठ किले, बीस रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले यहाँ से एक करोड़। समझेंगे कि नहीं? मतलब चार मिले चौसठ किले, चार मतलब जब एक भक्त से एक भक्त मिलते हैं, इनका दो आंख है उनका दो आंख है, कितना हो गया? चार। इसलिए चार मिले चौसठ किले, चौसठ मतलब हर व्यक्ति का बत्तीस दान, इनके भी बत्तीस दान, उनके भी बत्तीस दान। जब एक हरि भक्त से एक हरि भक्त मिलते हैं, उनका सारे दांत खिल जाता है, हंसते हैं दोनों आपस में, चौसठ किले हैं। बोले पीस रहे कर जोड़, फिर एक वैष्णव का दर्शन कर क्या करते? प्रणाम करते हैं। इसलिए दस हाथ उनका भी दस, दस अंगुल उनका भी दस अंगुल, कितना हो गया? बीस। इसलिए कहते बीस रहे कर जोड़। बोले हरी जन से हरी जन मिले वहां से एक करोड़। जब एक भक्त से मिलते हैं, कहते एक करोड़ मतलब कहते हर व्यक्ति का जो रोमावली है कहते पचास लाख कर दी है रोमावली। जब एक वैष्णव से एक वैष्णव मिलते हैं, उनका सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनका रोंगटे खड़ी हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं जब वैष्णव से वैष्णव मिलते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शंकर जी कह रहे हैं वहां पर रहते रहते ना मैं तो तंग हो गया। कोई भक्ति करने वाले नहीं अपने आप को, पहले तो कहेंगे, पहले क्या बोलेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले जो शंकर जी को उपासना करते हैं ना, बोले ओम नमः शिवाय, ओम शंकर जी हमारे पिता। लेकिन जब कुछ दिन बाद में सिद्धि हो जाता है थोड़ी की ऊपर, पहले तो क्या बोले? शिवा, खुद को शंकर जी मानने लग जाते। अगर खुद शंकर हो गए तो पार्वती क्या लगा करो? पत्नी। पार्वती क्या हो गया? फिर पत्नी हो गया ना, शिवा। फिर पार्वती को बड़ा क्रोध हो रहा, दुष्ट। पहले शंकर जी को बोला पिता, पिता बाद में तू खुद शंकर बन गया। पार्वती पकड़ती है उनका चोटी, तलवार निकाल कर काट करके गला में मुंडा वाला रूप में धारण कर लेती। इसलिए अब देखना पार्वती को गला में, काली माता के गला में देखना जितने तिलक कैसे है प्रभुवादी। यहाँ पर छोटा तिलक देखोगे, जैसे ब्रह्मवादी लाल तिलक लगाते है ना, ऐसे लाल तिलक लगाते है। देखना उनके जितने देवी के गले में जो माला है लख्या करके देखना, सबके सब लाल तिलक लगाने वाले। क्यों? हाँ, ये त्रिकुंड और लाल तिलक लगाने वाले। कारण क्या है? बोले खुद को शंकर जी मानने लगते। हाँ भैया, बोले दुष्ट, अभी खुद शंकर बन करके मेरे को बीवी बनाना चाहते हैं। इसलिए शंकर जी स्वयं कहते हैं भैया मेरे को और वहां अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए जो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए चाहते है, मैं चाहता हूँ कहीं ऐसी जगह पर रहे जहाँ पर रहने पर भगवान की, वासुदेव की, भगवान की भजन हो है। इसलिए तब जो ये बात बताए, कितने में भगवान वासुदेव से ही बात बताए है, भगवान वासुदेव से, वहां पर वासुदेव है ना। इसलिए जब बात बताई, बोले तुमको ये काम करना पड़ेगा, फिर तुमको मैं एक स्थान देता हूँ, तुम वहीं पर रहो, अब ये भुवनेश्वर में निवास करो। लेकिन यहाँ पर निवास करोगे ना, फिर यहाँ से जा नहीं सकते, तुमको स्थान दे रहा हूँ, यहाँ छोड़कर जाना नहीं। शंकर जी कहते कैसे हो सकता है, जाऊंगा नहीं वहां पर, काशी में वहां पर क्या है, वहां पर गंगा है, जमुना है, मणिकर्णिका घाट है वहां पर। कहते वो मेरे बड़े प्रिय है, शंकर जी कहते वो मेरे बहुत प्रिय है, आप कह रहे हो वहां जाऊंगा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तब भगवान कहते हैं जो कुछ हो वहां गंगा जमुना मणिकर्णिका है ना, भुवनेश्वर में सब कुछ। कहते भुवनेश्वर में भी गंगा है, जमुना है, वहां भी मणिकर्णिका है, यहाँ पर सबके सब है, इसलिए आपको जाने का जरूरत नहीं। फिर तो शंकर जी बोले ठीक है, आज से मैं भुवनेश्वर में स्थिर रूप में, जैसे वहां पर लिंगराज मंदिर है और वहां पर जैसे करोड़ शिवलिंग रूप में शंकर जी प्रकट हुए, इसलिए अभी स्थिर रूप में वही निवास करते हैं। फिर उसको बाद में कथा आती है, एक समय जो काशी राजा ने शंकर जी का आराधना किया,
अभी काशी राधे ने आराधना करके भगवान से युद्ध करने के लिए चाह जगन्नाथ कृष्ण से भगवान ने उसको खत्म कर दी। फिर उसको बेटा रूप में उसको पौंडरक वासुदेव फिर एक हुआ, उसने भी क्या किया स्वयं दो हाथ है, उसने फिर और दो हाथ लगा दिया है, दो हाथ लगा करके शंकर चक्र धारण करके भगवान से चुनौती मांगा, बोले कृष्ण द्वारकाधीश ये शंकर चक्र गदा पद्म चिन्ह छोड़ दो, अभी मैं नारायण हूँ मैं। इसलिए कलयुग में जैसे है बहुत सारे नारायण हो रहे, एक सारथी बाबा बन गए थे और राम रहीमी है और एक है क्या आसाराम बापू, ये सब बन गए। लेकिन भगवान ने क्या किया, छोड़ दिया अपना चक्र को, चक्र छोड़ा तो पूरा उसका मुंड काट दिया उसकी है। इसलिए यहाँ पर फिर उसका बेटा हुआ, कहते उसको बेटा फिर हुआ जिसका नाम शुद्ध खीणा, ये भी फिर शंकर जी की उपासना किया है। शंकर जी जब प्रसन्न हो गए, इसलिए यहाँ पर शंकर जी प्रसन्न हो गए, कहते शिव अभिचार विधान का अनुसार उनने दक्षिणा परिचर्या आदेश दिया तो एक भयंकर एक अग्नि मूर्ति प्रकट हुआ है। प्रकट हुआ तो उन्होंने त्रिशूल लेकर के प्रकट होकर के उन्होंने भगवान को ऊपर में धावा कर दिया, भगवान को ऊपर चढ़ाव कर दिया। इतने में भगवान अपना सुदर्शन चक्र को लिया है, सुदर्शन चक्र को छोड़ा और सुदर्शन में करोड़ों सूर्य का तेज सुदर्शन चक्र में उसने वो राक्षस को बंध किया, बंध किया फिर उसको पीछा किया किसके जो सुदक्षिणा को, फिर उसको मारे, फिर पूरा काशी को जला करके पूरा ध्वस्त कर दिया, फिर तभी नहीं छोड़ा, फिर शंकर जी का पीछा किया शंकर जी का पीछा किया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं भैया शंकर जी को समझना बड़ा कठिन है, इसलिए शंकर जी का जितना नाम है ना गोपेश्वर है चकलेश्वर सब ईश्वर ईश्वर नाम है, है? इसलिए जितना सब ईश्वर ईश्वर शब्द हैं सब उल्टा उल्टा नाम का नाम सब उल्टा है, इसलिए शंकर जी को समझना बड़ा कठिन। शंकर जी को पीछा किया, शंकर जहां जहां जाए चक्र उनको पीछा ही नहीं छोड़े, सारा दुनिया शंकर जी चक्कर मार डाले, लास्ट में उन्होंने श्री जगन्नाथ जी शरण में आए, बोले प्रभु त्राही माम प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। जगन्नाथ जी ने कहा तुम कैसे वरदान देते हो, अब तुम भी खुद मेरे साथ में लड़ाई करना शुरू कर देते हो, खुद भी मेरे साथ में लड़ाई करना शुरू कर देते हो। शंकर जी कहते प्रभु ये दुष्टों का संग मैं नहीं ना, जैसे संगत में रहोगे वैसे रंग बदलेगा, संग जैसे रंग वैसे होगा, कहते ये दुष्टों का संग करते करते मेरा बुद्ध भी खराब हो गया, इसलिए प्रभु जी मेरे को अपना चरण में स्थान दो, आपका चरण में रहूंगा ना मेरा बुद्धि सही रहेगा, लेकिन जब आप चरण से मैं दूर हो जाता हूँ मेरा बुद्धि खराब हो जाता है, इसलिए अपना चरण में स्थान दो। फिर भगवान शंकर जी फिर बोले यहाँ पर श्री एकाम्रकानंद श्री भुवनेश्वर मेरे अत्यंत प्रिय स्थान है, तुम वहीं पर रहो। बोले प्रभु इतना से काम नहीं चलेगा, बोले क्या है, बोले आपका प्रसाद मेरे को रोज देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपका चरण में फिर आपका प्रसाद, प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रस हो जाएगा, इसलिए आपका प्रसाद ग्रहण करने से जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मैं, आपका प्रसाद ग्रहण करूंगा तो बुद्धि सही रहेगा आपका चरण में। फिर उन्होंने बोले ठीक है, इसलिए वहां पर रोज, इसलिए वैष्णव लोग कहीं भी शंकर जी के प्रसाद नहीं पाते हैं, इसलिए नियम है शंकर जी का प्रसाद नहीं लेनी चाहिए। शिव पुराण में बताया जो शंकर जी का डायरेक्ट प्रसाद लेना कुत्ता जन्म उसको लेना पड़ेगा है, इसलिए कभी शंकर जी का प्रसाद डायरेक्ट नहीं लेनी चाहिए, लेकिन केवल हम एक ही स्थान में लेते हैं, कहाँ पर लिंगराज मंदिर में है वही पर लेते हैं। बोले क्यों, पहले वहाँ अनंत वासुदेव को भगवान को भोग लगता है, जब भगवान को भोग लगे वो प्रसाद हो जाता है, वही प्रसाद जब श्री भगवान की कोई प्रिय भक्तों को भोग लगे फिर प्रसाद नहीं महा महाप्रसाद। पुरी में भी यही चाहिए, पहले पुरी में प्रसाद नहीं महा महाप्रसाद, बोले क्यों, सबसे पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है वही प्रसाद यहाँ पर श्री विमला देवी को भोग लगती है, विमला देवी वैष्णवी है, इसलिए वहां महा महाप्रसाद है। इसलिए श्री शंकर जी वही पर नित्य रूप में निवास किए, रोज जगन्नाथ जी प्रसाद सेवा करते हैं, और वैष्णव लोग को भी मेरा आदर प्रसाद भी आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए उन्होंने लिंगराज मंदिर में गए, कोटी शिवलिंग को उन्होंने दर्शन किया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जे अमार भक्त हई तो मा अनादरे से अमार मातृ जन विडम्बना करे,
इसलिए कृष्ण स्वयं महाप्रभु शंकर जी को कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति मेरे भक्ति करते हैं लेकिन शंकर जी को अगर अनादर करे तो कहते श्यामार मात्र जन विडंबना करे, कहते उसका पूजा पूजा नहीं है, वो केवल मेरे को विडंबना कर रहे हैं, मेरे को ठग रहा है वो व्यक्ति, मेरे को शर्मिंदा कर रहा है वो व्यक्ति। इसलिए महाप्रभु ने कहीं भी शंकर जी का भक्त आया तो महाप्रभु उनको दर्शन किया, प्रणाम किया, क्यों शंकर जी वैष्णवा नाम यथा सब आदि गुरु शंकर जी विष्णु स्वामी संप्रदाय का ये प्रवर्तक श्री भोले बाबा है, इनकी कृपा से भगवान की भक्ति मिलती है। नहीं इसलिए यहाँ पर श्लोक उदाहरण देकर कहते हैं, जैसे श्री सनातन गोस्वामी जब गोपीश्वर महादेव का दर्शन करते थे कदना श्रीमद गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्व क्लेश हरम देवम वृंदारण्यम रति प्रदम वृंदावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनातन सनातन नारायण को गोपेश्वर ब्रज विलास युगांगिपते प्रेम ब्रज चित्राम। इसलिए प्रभुपाद भी मायापुर में वहां पर गोपीश्वर शंकर जी को उन्होंने स्थापन किया, उसी चीज को देख करके मेरे गुरुदेव भी अपना मंदिर में गोपीश्वर महादेव स्थापन किया है। इसलिए यह चीज को देख करके हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज रूप सनातन में देखना, ठाकुर का दो तरफ में देखना, पहले तो उन्होंने गेट में जो बाहर गेट में दो मूर्ति रखने का कोशिश किया था, एक गोपीश्वर महादेव और एक पूर्णमासी, क्योंकि जब तक गोपीश्वर महादेव को भगवान खुद बोले आज से तुम क्षेत्र भालो, अगर कोई मेरे धाम दर्शन करने के लिए आए तुम्हारी आदेश के बगैर अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते, और वहां पूर्णमासी जो जोग माया कहते ये दोनों का जब तक कृपा नहीं हो तब तक कोई ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हमारे महाराज भी रूप सनातन गौड़ीय मठ में अभी दोनों विग्रह को ठाकुर का दोनों पास में दोनों विग्रह है। इसलिए यहाँ कहते हैं जस्तु नारायण देवम ब्रह्म रुद्रादि देवते समतेन विक्षते सपाषण्णी भवति ध्रुव। ये श्लोक को उद्धृत करके कहते हैं, इसलिए जो भगवान नारायण को ब्रह्मा शंकर जी को साथ में बराबर करते, कोई कोई कहता ना अरे सब तो एक ही है ना, सब तो एक ही है, अलग कहा सब तो एक ही है, यहाँ तक कहते हैं सारे दूसरे देवादेवी का बात तो छोड़ ही दो, कहते अगर ब्रह्मा शंकर जी को साथ में अगर कोई कहता है नारायण समान है, क्या कहते हैं समत्वेन विक्षते सपाषण्णी भवेत ध्रुवम, वो व्यक्ति पाखंडी है। इसलिए कभी भी दूसरे देवादेवी को साथ में भगवान के बराबर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर इसको करते हुए महाप्रभु से जगन्नाथपुरी आ रहे हैं और अठहर नला से उन्होंने जगन्नाथ जी का ध्वजा को देख करके उनको लगा जैसे ऊपर में गोपाल जी मेरे को बुला रहे हैं। कल हम सुनेंगे कैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी की दर्शन किए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री भुवनेश्वर की, लिंगराज मंदिर की, पंचाकल पुत्रभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वचन पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आज के कीर्तन धैर्य गोपाल।